आई होप यू डूइंग वेल। इट्स माय फर्स्ट मंथ, सो आई वाज थिंकिंग कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो वीकेंड भी है तो मैंने सोचा कि चलो वृंदावन चलते हैं। वृंदावन जाने के लिए मैं सोच रहा था पहले अकेले जाऊँ, फिर मेरे को याद आया कि मैं अपने भाई से एक बार पूछ लेता हूँ जो नोएडा रहता है। नोएडा मैंने फ़ोन मिला दिया है तो उसने कहा है कि 12 बजे तक आ जाओ, और अभी 10 ही बज रहे हैं तो मैं रेडी वेडी होकर, एक घंटा मेरे को वहाँ लगेगा जाने में, तो मैं डायरेक्ट वहाँ पर जाके तुमसे मिलता हूँ। एंड अगर वो रेडी हुए तो मैं डायरेक्ट निकल लेंगे, अदरवाइज मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ, देर रास्ते तक तो पहुँच चुका हूँ नोएडा के। देन यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक है हाईवे होने के बाद भी, बट देखते हैं। मेरे घर से 43 किलोमीटर दूर ही है अनी का घर, एंड देन वहाँ पे पहुँचने के लिए 1.5 घंटा लगता है। चलो ठीक है, अब मिलते हैं वहीं पे ही। गाइस, आ चुका हूँ मैं फाइनली डेस्टिनेशन पे नोएडा की, इनको लेने। इनकी सोसाइटी यार बहुत सही है, देखते हैं। अब अमेजिंग है सोसाइटी होना, तो पिस्टे मेन्यू फाइनली। बीच 605। ओ भाई, भाई देखो यार, सही तो आ रही है। हाँ सही आ रही है, बढ़िया परफेक्ट आ रही है। ये देख 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 कितना ऊपर, देख इसकी लिमिट देख, ऊपर देख, आराम से छत तक मत करियो। रिकॉर्ड कैसे होएगी? रिकॉर्ड तो हो रही होगी, आराम से अब होएगी रिकॉर्ड। ये क्या दिखा रहा है? फाइनली मैंने इन सबको पिकअप कर लिया, एंड देन वी आर गोइंग टू वृंदावन। आज के बिहारी जी के घर पे, घर भाई, घर मंदिर भाई, मंदिर है तभी तो घर, वहाँ पर घर होगा ना पहले। हाँ मतलब हमारा होटल अलग होगा और उनका मंदिर है तो घर होगा। तो हम निकल चुके हैं और कम से कम 2 घंटे लगेंगे यहाँ से। यमुना एक्सप्रेस वे चढ़ चुके हैं और जब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। यार यहाँ पे एक कमी पड़ गई, हम नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं तो हीमू को फिल्टर नहीं दिख पा रहे यहाँ पे, सबसे दिक्कत ये मार रही है। गए तो हम पहले भी थे लास्ट ईयर होली पे गए थे, और होली पे बहुत ज्यादा मजा आया था, लेकिन भीड़ ज्यादा थी। अगर दर्शन सही से नहीं हुए तो दोबारा हम जा रहे हैं। कहाँ हुए थे हम, वापस नहीं आ गए थे बे? मंदिर के बाहर से ही। अच्छा, बट इस बार बाके बिहारी के दर्शन करके ही आएंगे हम। ऑल ऑफ सडन प्लान बनाए हैं अब, सो सी यू गाइस देयर। तो हम लेट निकले थे तो हम लेट पहुंचे, जिसकी वजह से हमारे को थोड़ा सा कुछ सामना करना पड़ा बेकार चीज़ों का, जैसे कि प्रेम मंदिर बंद ना हो जाए इसलिए हमने होटल नहीं लिया, और मेरा GoPro ख़राब हो गया था, ड्रोन तो उड़ ही नहीं रहा था जिसकी वजह से मैं शॉट्स नहीं ले पाया, और मेरे पास इतनी टाइमिंग भी नहीं थी कि मैं सारी वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा देर का ब्लॉग भी नहीं रखना था, तो मैं डायरेक्ट आगे जाके स्किप करके सारी वीडियोस प्रेम मंदिर की दिखाने लगा इसमें। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। के बाद फाइनली हमें रूम मिल गया, जो हमारे को मिला 3,000 रुपये का है ना, एंड वर्थ इट है हमारे लिए, बहुत बड़ा रूम है। एंड देन और हमने बहुत सारा खाना खाया है, जिसमें हमने क्या है, कढ़ाई पनीर और दाल फ्राई, मजा आ गया। रोटियां थोड़ी कच्ची थी, थोड़ी जली हुई थी, बट ठीक है, भूख लग रही थी तो बस हम जा रहे हैं सोने, और कल हमें सुबह जल्दी उठना है 6 बजे, और फिर हम जाएंगे बाके बिहारी टेम्पल। राधे राधे। तो ऑस्ट्रेलिया से आई है? राधे राधे। तो इतना एक्सेंट इतना गंदा क्यों? थोड़ा कैमरे के। गाइस इस टाइम हम कुछ भी बोलने की हालत में नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, और दूसरी बात ये कल हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ हमें अभी बाके बिहारी जी और घूमना है। प्रेम मंदिर वाज गुड बट थोड़ा भीड़ भाड़ वाला था, तो जाना पड़ेगा। वृंदावन आए और बाके बिहारी नहीं गए तो क्या वृंदावन आए। और रूम तो अच्छा हमें मिल ही गया, और एकदम सही। इतने हमने चक्कर काटे, हमने 5 किलोमीटर से ज्यादा हमने चला होगा, थैंक्स टू मनीष भाई हमारा, मेरे से ज्यादा घूमे हो गया। हमारे भैया ने थोड़ा सा मेहनत करा, हमें मोटिवेट किया कि चलते रहो चलते रहो। मोटी को वेट करा, आई मीन मोटिवेट करा दैट मोटिवेट
एंड यू नो देख सकते कितनी मोटी है, बहुत मोटी है, बहुत चली है। एंड देन सबसे अच्छी बात ये कि इसका वेट थोड़ा लॉस हुआ और वो इतना लॉस हो गई वो तो उड़ने लग गई। मैं इंस्टाग्राम हैंडल दूंगी और देखना बताना मेरी वीडियो देखना कि मोटी हूं नहीं मोटी। सबसे ज्यादा कमेंट मेरे ही मिलेंगे वहां पे। ओके सी यू गाइस, मिलते हैं तुम्हारा।